नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं फाइनेंशियल प्लानिंग का तरीका बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग रिवर्स कैलकुलेशन करके कैसे करते हैं। कि मान लीजिए कि आज बच्चे का शादी किया जाए या बच्चे के पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपया खर्च आज है, लेकिन हमारे बच्चे छोटे हैं, बाद में ये रिक्वायरमेंट 20 साल के बाद आना है, तो अगर 5% का इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाए तो आज जो 20 लाख का खर्च है 20 साल के बाद वो खर्चा होगा 53 लाख रुपया। मतलब आज जो एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए 20 लाख रुपया खर्चा है, यही चीज सेम करने के लिए आज से 20 साल के बाद 53 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, यदि इन्फ्लेशन 5% हो। तो हर हाल में हमें कितना पैसा चाहिए? 53 लाख रुपया। तो यही 53 लाख रुपया प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज अगर 5,05,000 रुपया इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए और 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं, तो ये 5,05,000 रुपया आज का उस समय का हो जाएगा 53 लाख रुपया। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, जबकि प्रेजेंट वैल्यू इसका कॉस्ट कितना है? 20 लाख रुपया। आज का 20 लाख रुपया उस समय का 53 लाख। हम ये 53 लाख रुपया कैसे प्राप्त किए? 5,50,000 रुपया आज इन्वेस्ट करके छोड़ दिए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? 50,50,000 का फंड ले लेंगे, या 1,00,000 का 5 फंड ले लेंगे, 50,000 का 1 फंड ले लेंगे। 6 फंड के कम्बिनेशन में यदि 12% का रिटर्न मिले आने वाले 20 साल में, तो हमारा 5.5 लाख रुपया बन जाता है 53 लाख रुपया। अब हम वन टाइम का ना देख के SIP पर मंथ देखें, तो SIP में अगर 5,400 रुपया पर मंथ करें आने वाले 20 साल के लिए, मात्र 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं, तो पैसा जमा करेंगे 12,96,000 और फ्यूचर वैल्यू बनेगा SIP से 53,95,000। मतलब हर हाल में हमको 53 लाख रुपया चाहिए। तो या तो ऑप्शन है कि 5.5 लाख रुपया वन टाइम जमा कर दीजिए आपके पास पैसा है, तो दूसरा ऑप्शन है कि 5.5 लाख रुपया आपके पास नहीं है, तो मात्र 5,400 रुपया पर मंथ करेंगे तो ये 53 लाख प्राप्त हो जाएगा, जो आज 20 लाख के बराबर है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, इस तरह आपको खुद से फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के कोर्स में हमें बताया है, नेहरू प्लेस में, जहां मैंने 6 महीने का कोर्स किया है। इस तरह का कैलकुलेशन आप मेरे वेबसाइट starsip.in में जाके बिना लॉगिन किए हुए इस कैलकुलेटर को यूज करेंगे और इस ग्राफ को अगर टच करेंगे तो फंड का परफॉर्मेंस दिखेगा कि कौन क्या कर रहा है। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब डालने का कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपको साइट विजिट करके starsip.in के साइट पे जाके ये कैलकुलेटर यूज करना है, तो इस तरह का चार्ट आपको आ जाएगा कि SIP में क्या करना है, वन टाइम में क्या करना है, पेंशन में क्या करना है। तो आप देख सकते हैं, सिंपली आप 5,400 रुपए पर मंथ का SIP करते हैं तो लगभग आपके पास 53 लाख रुपया 20 साल के बाद हो जाता है। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, लिंक में जाके आप पहले अकाउंट ओपन करेंगे SIP का। एक बार अकाउंट ओपन हो जाए तो मुझसे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि किस फंड में 1,000 का SIP शुरुआत करना चाहिए, ज्यादा पैसा है तो भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कौन से फंड में करना चाहिए। पहला स्टेप है कि आप लिंक में जाके अकाउंट को ओपन करें, फिर दूसरे स्टेप में मैं फंड का सिलेक्शन बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।